नमस्कार दोस्तों, अभी हमने हाल ही में एक वीडियो डाला था जिसमें हमने डेल का गेमिंग सीरीज़ का G5 लैपटॉप का रिव्यू दिया था। आज हम उसी लैपटॉप में, जो कि हमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के जरिए 8 GB रैम के साथ वो आया है, अभी हम उसमें इतने महंगे लैपटॉप में रैम भी तो इस लेवल की लगानी पड़ेगी कि उसकी परफॉर्मेंस निकले, तो अभी हम उस लैपटॉप को डिसेंबल करेंगे और उसमें जो 4 GB की दो रैम स्लॉट लगी हुई हैं उनको रिमूव करके उसके अंदर हम अभी 32 GB का DDR4 सिंगल रैम लगाएंगे। ये रैम आज हमने अमेजोन से बाय किया है और ये कॉरियर से हमारे पास आ गया है। तो ये आपके सामने है, एडिटा का है DDR4। तो ये रहा गाइस हमारे पास डेल G5 लैपटॉप जिसकी हम बात करने जा रहे थे। इस लैपटॉप के जरिए आज हम अभी इसमें वीडियो में देखेंगे कि इसमें हम इसका रैम कैसे अपग्रेड करें। तो अभी इस लैपटॉप में कंपनी के जरिए जो रैम आई है वो है 4 GB की दो रैम में आई है। तो अभी इसमें जो रैम है वो है 8 GB मेमोरी, और जिसको हम अभी एक्सटेंड करेंगे और वो रैम हो जाएगी जी 32 GB। तो 32 GB का रैम अभी हम इसमें इंस्टॉल करने जा रहे हैं गाइस। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक टूल किट। हमारे पास कुछ इस तरह का ये टूल किट है और ये एडिटा का आज हमारे पास रैम आया है 32 GB। तो अभी हम आपको इसमें रैम को रिप्लेस करके दिखाएंगे। तो उसके लिए करना क्या है वो आपको बताते हैं। तो 32 GB का रैम हम इसमें इंस्टॉल करेंगे गाइस, और आपके सामने हम लैपटॉप को रनिंग करके परफॉर्म करके दिखाएंगे। लास्ट जो वीडियो था उसके अंदर हमने आपको इसकी परफॉर्मेंस दिखाई थी 32 GB के साथ गाइस, और अब हम इसकी परफॉर्मेंस दिखाएंगे 8 GB के साथ दिखाई थी, और आज हम इसकी परफॉर्मेंस दिखाएंगे आपको 32 GB के साथ। गाइस, चैनल पे नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कीजिए। तो ये तो बनता ही है, हम आपके लिए रिव्यू लाए पहले लैपटॉप G5 का, और अब हम इसके पे आपको एक्सपेंड करके भी दिखा रहे हैं, क्योंकि जब भी हम लैपटॉप डेल से लेंगे तो उसके अंदर जो रैम मिलेगी वो गाइस मिलेगी हमारे पास 8 GB, और इतने महंगे लैपटॉप से आउटपुट लेने के लिए हमें रैम भी उसी लेवल का चाहिए। तो ये हमारी रैम है गाइस 32 GB। तो गाइस, इस लैपटॉप को रिवर्स में रखते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दें, इस लैपटॉप पर स्क्रू लगे हुए हैं, यहाँ पे 1, 2, 3, 4। इन स्क्रूज को गाइस हम ओपन करेंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से। तो बहुत इजी है गाइस, ये हमें सिर्फ इसका बैक पैनल ही ओपन करना है, और हम इसमें रिमूव कर पाएंगे। तो अब हम इसके स्क्रू अनइंस्टॉल करने जा रहे हैं। गाइस, इसका जो डाउन साइड के 5 स्क्रू है वो रिमूव हो जाएंगे इससे अलग, और जो टॉप के स्क्रू है 4 वो कैबिनेट से बाहर नहीं निकलते हैं। आपको दिखा दूंगा, ये जो डाउन के स्क्रू है ये सारे बाहर निकल जाएंगे गाइस, ये देखिए।
ये सभी स्क्रू यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और वो स्क्रू इसकी चेसी में ही रहेंगे, वो बाहर नहीं निकलेंगे गाइस। आपका लैपटॉप शटडाउन मोड में होना चाहिए। G5 में एक ऑप्शन है कि जैसे आप लैपटॉप को ओपन खोलते हैं, इसके दोनों इंटरफेस को ओपन करते हैं, तो लैपटॉप अपने आप ऑन हो जाता है। तो ध्यान रखिए, जब भी आप लैपटॉप को खोलने जाएं तो इसको ओपन ना हो, इस चीज़ का गाइस ध्यान रखना है। कि आपका लैपटॉप खोलने से पहले इसको ओपन ना करें, अदरवाइज ये रनिंग में आ जाएगा और रनिंग लैपटॉप को खोलना गलत है गाइस। हमने कभी भी रनिंग लैपटॉप को खोलना नहीं चाहिए गाइस। ये जो चार स्क्रू है गाइस आपके सामने दिखा रहे हैं, ये चार स्क्रू अलग नहीं होंगे, ये बॉडी में ही रहेंगे। रिमूव तो हो जाएंगे, ओपन तो होंगे पर बाहर नहीं निकलेंगे। अब गाइस आपके लैपटॉप पे स्क्रैच ना पड़े, उसके लिए मार्केट से दो प्लास्टिक के स्टिक्स आते हैं जो इसका लॉक ओपन करने का काम करेंगे गाइस। तो मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास है। कुछ इस तरह के यूनिट आते हैं मार्केट से जो लैपटॉप को ओपन करने में आपकी सहायता करेंगे। यहाँ से आपको लैपटॉप को लेना है, इसकी मदद से इसके लॉक्स ओपन करने गाइस। इस तरह से ये देखिए, ये इसके देखिए गाइस, ऐसे बड़ी आसानी से और बड़ी आराम से लैपटॉप ओपन हो जाएगा गाइस। अगर ये नहीं है तो आपके पास कोई डेबिट कार्ड पड़ा हो आपके घर पे, उसके ज़रिए भी आप ये काम कर सकते हैं गाइस। बड़े ही प्यार से, बड़े ही आराम से आपने इसको ओपन कर लेना गाइस। ये देखिए, बड़ी आसानी से ये ओपन हो जाएगा गाइस। ध्यान दें, सभी के सभी स्क्रू ओपन हो पहले, फिर आपको इसे खोलने में कोई परेशानी नहीं आएगी गाइस। ये रिमूव हो गया गाइस। तो ये हमारा लैपटॉप है गाइस, G5, ये रहा गाइस ओपन में। जैसा कि कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग में आपको दिखाती है, इसमें ड्यूल फैन लगे हुए गाइस। तो ये रहे इसके ड्यूल फैन। ये गेमिंग लैपटॉप है और हीट ना हो इसके लिए कंपनी ने इसमें डबल फैन लगाए हुए गाइस। तो अब गाइस आपको दिखा दें इसकी रैम, ये है गाइस इसकी रैम जो इसमें इंस्टॉल है। ये रही 4 GB और ये सेकंड साइड भी 4 GB। तो 4 GB इसमें दो रैम थी, टोटल 8 GB है। तो आपको करना क्या है गाइस, इस पत्ते को उठाना है और ये दोनों लॉक्स बैक साइड की तरफ ओपन कर देने हैं। तो ये मेरे पास रैम बाहर आ गई है गाइस। ये गाइस 4 GB 3200 क्लॉक स्पीड। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा गाइस, जो ध्यान से ध्यान देने वाली है। जो रैम है हमारी, इसकी क्लॉक स्पीड देखिए गाइस। यहाँ पे एक आपको छोटी सी स्टोरी बता दूँ मैं। मैंने इस लैपटॉप के साथ भी रैम बाय की थी मेरे लोकल सिटी में, उसमें एक प्रॉब्लम आ गई थी। मुझे 16 GB की दो रैम मिली थी। पहली बात तो अगर हो सके तो रैम एक ही लगाएं गाइस, दो ना लगाएं। दो रैम लगाने से कंप्यूटर को एक्स्ट्रा वर्कलोड आता है। अभी ये मेरे पास 8 GB रैम थी मेरे लैपटॉप में, तो ये 4 GB की दो थी, ठीक है गाइस। ये रे जो मेरे लैपटॉप से निकली है। अब मैंने इसमें 32 GB का एक सिंगल रैम इंस्टॉल किया है।
जो मैंने आज कॉरियर से मंगाया है, ये रहा मेरे पास ए डेटा का 32 GB का सिंगल रैम। गाइज यहाँ पे एक बात बता दूँ, ये रैम जो इससे निकली है लैपटॉप से ऑलरेडी, थोड़ा मैं आपको फोकस करके चीज दिखाना चाह रहा हूँ गाइज, इस पे लिखा हुआ है 4 GB और 3200 MHz, ये इसकी क्लॉक स्पीड होती है गाइज। मुझे दुकानदार ने जो रैम प्रोवाइड की थी वो थी 16 16 GB की दो, मगर वो थी 2600 MHz। जब मैंने वो रैम इस लैपटॉप में लगाई तो मेरी रैम तो हो गई 32 GB, मगर मेरे लैपटॉप के परफॉर्मेंस हो गई 8 GB से भी कम, क्योंकि इस लैपटॉप पे जो रैम लगेगी वो कितने भी जीबी के लगाओ उसका जो क्लॉक स्पीड रेशियो रहेगा वो 32 MHz रहेगा। गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए DDR4 3200, ये क्लॉक स्पीड है। 32 GB अलग चीज़ है, क्लॉक स्पीड अलग है। तो गाइज जो रैम आपने लगानी है वो भी 3200 MHz की लगानी है, तभी आपका लैपटॉप प्रोफेशनल लैपटॉप की तरह काम करेगा। अगर ये रैम कम क्लॉक 32 GB तो लगाया बट क्लॉक स्पीड कम यूज़ किया, ये जो क्लॉक स्पीड है ये 2600 यूज़ किया, तो आपके लैपटॉप की जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगी। ये मैं आपको पहले बता दूँ, आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी गाइस, डाउन। तो इस बात का बेहद ध्यान रखें। तो गाइस हमने पैकिंग ओपन करनी शुरू कर दी है, ये रही गाइज हमारी ए डेटा कंपनी की, हमने पैकिंग से इसको अनप्लग कर लिया है, 32 GB का रैम। ये गाइज रैम मेरे हाथ में बाहर आ गया है, 32 GB का ए डेटा का रैम, ये हमने अमेजोन से आज ही हमें रिसीव हुआ है, और ये हम इसकी डिम स्लॉट 1 पर लगा देंगे। कहाँ लगाएंगे गाइस, डिम स्लॉट 1 पर। यहाँ पर गाइस स्लॉट लिखा हुआ है DDR2 DDR1, तो जो डिम 1 है हमेशा उस पर रैम लगाते हैं, वो फर्स्ट स्लॉट होता है, क्योंकि ये लैपटॉप मैक्सिमम 32 GB तक की मेमोरी सपोर्ट करता है, तो डिम 1 पर हम रैम लगाने जा रहे हैं। ये लीजिए गाइस, लॉक को मिलाना है और रैम को इंसर्ट कर देना है, रैम ऑटोमेटिक जाके स्लॉट पर फिट हो जाएगा, ये स्लॉट ब्लैंक रहेगा गाइस डिम 2 का, क्योंकि इस लैपटॉप की मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो 32 GB रैम को ही सपोर्ट करने की है। तो गाइस ये रैम देख सकते हैं हमने इसमें यहाँ इंस्टॉल कर दिया डिम 1 पर। अब इस जो लैपटॉप 8 GB के साथ चल रहा था वो लैपटॉप अब हमारा 32 GB के साथ रनिंग करेगा। तो ये है गाइस, हमने इसमें एक हार्ड डिस्क इंस्टॉल कराई थी, ये मेरी आपको इसका थोड़ा ब्यूरा दे दें थोड़ा सा ब्रीफली। ये जो है ये वाईफाई लैन कार्ड है, ये जो है ये SSD है, जो इसमें 512 GB SSD इनबिल्ट आई है वो ये है गाइस। ये 1 TB नॉर्मल हार्ड ड्राइव है, ये लैपटॉप का बैटरी है। यहाँ हमने अभी अभी 32 GB का रैम प्लग कर दिया है, ये इसके प्रोसेसर के कूलिंग फैन है, यहाँ इसका प्रोसेसर लगा वाईफाई का, ये इसका डिस्प्ले वायर जा रहा है, और ये बाकी का मदरबोर्ड है गाइस। तो आपके सामने पूरा लैपटॉप हमने ओपन करके दिखा दिया गाइस, अब इसे प्लग कर देते हैं। तो गाइस इसको लगाते समय भी हमें ध्यान रखना है, बड़े प्यार से जैसे हमने इसे ओपन किया था वैसे हम इसे इंस्टॉल कर देंगे।
गाइस अब हम इसे प्लग करने जा रहे हैं। गाइस इसके लॉक्स प्लग होना शुरू हो जाएंगे, आप इसको लगा दीजिए। कुछ भी नहीं करना, बड़े प्यार से अपने आप लॉक अपनी अपनी जगह पर फिट हो जाएंगे। गाइस अगर ये वाले लॉक अपनी जगह पर फिट ना हो तो इसकी टेक्निक है गाइस, इन स्क्रू को एक बार थोड़ा सा रिवर्स में घुमाएं, ये अपने आप इसको फिट कर देंगे। गाइस ये देखिए, ये एक दो बार इसको रिवर्स में घुमाएं, स्क्रू अपने आप इंसर्ट हो जाएंगे। तो गाइस वो चार नट जो इसके साथ थे वो हमने लगा दिए हैं, अब हम इसके बाकी बचे हुए नट को भी लगाने जा रहे हैं। ये बाकी के नट हम इसके साथ प्लग करने जा रहे हैं। ये नट अपनी जगह पर रखना है, एक बार रिवर्स और फिर अपनी क्लॉकवाइज इसे घुमा देंगे। इस पे ज़्यादा जोर नहीं लगाना, एक बार रिवर्स फिर इसे क्लॉकवाइज घुमा देंगे गाइस। अगेन इसके जो नट है, एक बार एंटी क्लॉक और फिर क्लॉकवाइज। इस नट को भी ऐसे एक बार एंटी क्लॉक और फिर क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक घुमाने से गाइस नट अपनी जगह तुरंत फिट हो जाता है। लास्ट में ये दो नट रह गए गाइस, फिर हम लैपटॉप को ऑन करके इसके परफॉर्मेंस देखेंगे कि 32 GB के साथ ये कैसे चलता है। अभी तक हम इसको 8 GB के साथ यूज़ कर रहे थे, सारे काम इस पर 8 GB पर कर रहे थे, अब हम इसे 32 GB के साथ फंक्शनैलिटी में लाएंगे। तो ये गाइस अब तैयार है हमारा लैपटॉप ऑन होने के लिए, तो अब हम इसे ऑन करते हैं। तो गाइस फर्स्ट टाइम 32 GB के साथ, जैसे आप इसे ओपन करते हैं ये अपने आप ऑन हो जाता है, इसीलिए मैंने इसे कहा था कि आप इसे ऑन ना करें गाइस, इसको ओपन ना करें। किसी वजह से डिस्प्ले नहीं आ रहा है, देखते हैं गाइस क्या हुआ। आ गया गाइस, डिस्प्ले आ गया इसका, फर्स्ट टाइम वो रैम इसमें प्लग हुई थी। ये रहा अलर्ट, अमाउंट सिस्टम मेमोरी हैज बीन चेंज्ड। इसका बायो सेटअप खुला गाइस, ध्यान से देखिए, ऑलरेडी सिस्टम कह रहा है कि आपकी जो मेमोरी सिस्टम है वो चेंज हुई है गाइस। मैं नहीं कह रहा, इंटेलिजेंट लैपटॉप, स्मार्ट सिस्टम्स, जैसे हम स्मार्ट कंप्यूटर कहते हैं, तो ये स्मार्ट कंप्यूटर का एक उदाहरण है गाइस। देखिए हमने कुछ भी नहीं किया, हमने रैम को इंसर्ट किया और सिस्टम ने तुरंत हमें एक मैसेज दिया है ऑन होते ही कि आपकी कंप्यूटर की जो रैम है वो रिप्लेस हो गई है। एक मिनट गाइस, स्टैंड्स को चेंज कर रहा हूँ मैं थोड़ा, क्योंकि अब आपको इसके कंप्यूटर स्क्रीन दिखानी है मैंने। तो गाइस ये देखिए गाइस, यहाँ आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज है, दिखाई दे रहा होगा आपको कि सिस्टम कह रहा है कि आपकी जो अलर्ट रैम मेमोरी चेंज हुई है, आप इसे कंटिन्यू करेंगे तो पीसी रिस्टार्ट हुआ है।
और फिर डेल का लोगो आया हमारे पास, थोड़ा वहाँ लाइटिंग का इफेक्ट है तो इस तरह कर लेते हैं इसे। तो गाइज ये प्रोसेस में है 32 GB के साथ। फर्स्ट टाइम ये 32 GB रैम के साथ इंस्टॉल होकर प्लग होने जा रहा है। ये अभी ऑन हो गया मेरा लैपटॉप, अभी हम इसकी रैम देखेंगे सिस्टम में। बायस सेटअप में एक बार इसने सिर्फ हमें मैसेज दिया, ये फिंगर लॉक स्कैन, फिंगर से अनप्लग कर लिया हमने इसे। तो गाइस अब हम इसकी मेमोरी को टेस्ट करते हैं, कंट्रोल अल्ट और डेल। यहाँ से हम जाएंगे गाइस इसके टास्क मैनेजर में और वहाँ हमें रैम परफॉर्मेंस में दिख जाएगी। तो ये रहा गाइस जो हमें चाहिए था, ये चाहिए था ना जी, 31.8 GB मेमोरी। पहले कितनी थी यहाँ पे, केवल 8 GB, 32 GB रैम है, कुछ पॉइंट वो यूज़ हो रही है। तो गाइस अब हमारा लैपटॉप पूरी कैपेसिटी के साथ चल रहा है, CPU यूज़ हो रहा है कभी 7 कभी 5, मेमोरी होल्ड हो रही है, पहले हमारे पास 8 GB थी, 4 से 5 GB विंडो 10 अपने रनिंग में ले जाती है और अब हमारी 4 से 3 GB ले रही है, 31.8 GB हमारे पास मेमोरी है गाइस। और उसके बाद हार्ड डिस्क HDD यूज़ नहीं हो रही है, SSD हो रही है जिससे OS चल रहा है, Wi-Fi यूज़ हो रहा है, GPU 1% यूज़ हो रहा है, इंटीग्रेटेड GPU एंड दूसरा है GPU NVIDIA। तो ये सभी गाइस इस्तेमाल हो रहे हैं, आपके सामने हैं। तो ये ग्राफ चल रहा है प्रोसेसिंग के हिसाब से। तो ये देखिए गाइस, हमारा कंप्यूटर 32 GB मेमोरी के साथ इंस्टॉल हो गया है और रनिंग भी हो गया है। तो अभी हम इस पर कोई टास्क देते हैं इसे, जस्ट लाइक हम प्रीमियम प्रो चलाते हैं, जो मेरे पास एक हैवी वर्किंग सॉफ्टवेयर है जिस पे हम 4K वीडियो एडिटिंग करते हैं और फंक्शन लेते हैं। तो गाइस ये हमारे पुराने रैम हमने इसे निकाल लिए हैं जो हमारे पास थे 4 4 GB के, ये हमारे पुराने रैम्स जो हमने इससे निकाले हैं। तो अभी हम इसमें एक नया प्रोजेक्ट प्लग करते हैं। तो गाइस अभी हम इसमें एक कोई प्रोजेक्ट रन करते हैं जिससे कि इसको लोड आए और वो लोड आउटपुट हम आपको दिखाने जाएंगे। इस पर गाइस एक मैसेज आया है आई थिंक कुछ, ये कह रहा है कि GPU इज रेडी टू यूज, अभी मैं कंटेंट नहीं दिखा सकता आपको, तो कंटेंट मैंने हाइड किया है और अब हम इसे जैसे मैं एक्सपोर्ट करेंगे तो जो इस पे लोड आएगा उसके बाद मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा। ये करीबन मेरे पास एक वीडियो है कुछ देर की और हम इसको अभी कन्वर्ट करेंगे 4K में, तो 4K में इसको पूरा लैपटॉप को लोड आता है उसको कन्वर्ट करने में। तो कन्वर्शन स्टार्ट कर दिया मैंने, अब देखते हैं गाइस हम परफॉर्मेंस। तो देखिए गाइस पहले क्या था कि 8 GB रैम थी, ये अभी कन्वर्सेशन शुरू हो गया है, GPU 73% यूज़ हो रहा है इसका ग्राफिक कार्ड और मेमोरी केवल 8.9 गाइस। पहले क्या था टोटल ही 8 थी, 5 GB तो यूज़ रहती थी, जैसे ही इस पर वर्कलोड आता था तो 7 7.5 तक लेता था और कंप्यूटर लोड लेता था, इसके CPU फैन बहुत ज़्यादा RPM करते थे, ये अपना एडवांस रूप को रनिंग कर देता था उस टास्क को करने के लिए। अगर हम इससे
फुल एचडी यानी कि 720 या 1080 पिक्सल भी हम इससे बनाते थे, जो एचडी या फुल एचडी कहते हैं। इस समय मैं इससे जो कन्वर्सेशन कर रहा हूँ वो अल्ट्रा एचडी कर रहा हूँ गाइज, और वो हो भी गई है। अल्ट्रा एचडी कन्वर्सेशन इसने कर दी है गाइज, विद इन जिस वीडियो को कन्वर्ट करने में इसे 10 मिनट लगते थे गाइज, वो इसने 1 मिनट में कर दी कंप्लीट। है ना गाइज जादू, जब आप 1 लाख रुपए का लैपटॉप ले रहे हैं तो उसमें रैम भी उसी लेवल की होनी चाहिए। आप कंपनीज के साथ रैम देती है 8 GB, 8 GB के साथ इसकी परफॉर्मेंस नहीं निकलती गाइज। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 32 GB और हमने इसमें 32 GB का 3200 MHz जो इसमें निकली है, जो रैम, ये वाली जो रैम निकली है, इसका जो क्लॉक रेशियो था, ये 4-4 GB की दो रैम में हमारे पास, इस पर लिखा हुआ है 4GB 3200 AA, ये इसका क्लॉक स्पीड है दोनों का। तो ये 8 GB इसमें से निकली है सैमसंग की रैम, और गाइस ये इसने कर दिया और ये फिर फ्री हो गया है, इसने अपना टास्क कर दिया। और देखिए आप, GPU फ्री हो गया है, GPU कह रहा है कि मुझे अब टास्क नहीं करना, मैं फुल हूँ, मेरे पास कोई काम पेंडिंग नहीं है। तो गाइस जो काम ये 10 मिनट में करता था वो 1 मिनट में कर दिया गाइस। अब आएगा इस पर काम करने का मज़ा, 32 GB मेमोरी है, करो यूज़ जितना करना है। तो गाइस ये हमारा लैपटॉप, इसमें आपको बस दिखाया था मैंने लास्ट टाइम भी, इसके जो कीबोर्ड है वो बड़े ही बेहतरीन ब्लू कलर की लाइट के साथ है कि आप कम रोशनी में भी की को अलार्म से पहचान सकते हैं। तो गाइस बेहतरीन लैपटॉप है, बहुत अच्छा। और अब हम यूट्यूब के जो वीडियो एडिटिंग करते हैं, हमने इसे गेम खेलने के लिए लिया, प्रोफेशनल टास्क के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, वेब डेवलपिंग के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए, और वहाँ पे हमें PHP का जब हम टास्क बनाते हैं या उसके लिए हम सर्वर क्रिएट करते हैं, अपाचे हमारे अपाचे है उसमें, अपाचे के बाद हम PHP, आजकल हम उसमें PHP डेटाबेस के साथ पाइथन, इस तरह के कुछ टूल्स लेते हैं, तो हमें वर्चुअल कुछ सॉफ्टवेयर डालने पड़ते हैं, VMware या ओरेकल आई का एक सॉफ्टवेयर आता है जिसके जरिए हम ये टास्क को परफॉर्म करते हैं। हम बेस ऑपरेटिंग सिस्टम तो विंडो 10 ही रखते हैं, इसके अंदर हम मल्टीपल OS डाल लेते हैं अपनी टेस्टिंग के लिए, अपने डेवलप प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, तो वो सब हम आगे वाली वीडियो में आपको दिखाएंगे गाइस। पर गाइस ये तो कमाल ही हो गया, बेहतरीन प्रोफेशनल लैपटॉप की आउटपुट दी इसने, तो ऐसी आउटपुट की हमें उम्मीद थी। डेल कंपनी ने एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया। अगर आपका बजट, वैसे तो जो एडिटिंग करते हैं यूट्यूबर है या जिन्होंने प्रोफेशनल काम करना है, वो बेसिकली एप्पल का लैपटॉप यूज़ करते हैं गाइस। एप्पल के लैपटॉप में क्या खासियत है, उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, अपना हार्डवेयर, अपना CPU पर्सनल है। जैसे अब डेल तो इंटेल से प्रोसेसर लेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट से लेगा, एप्पल के पास सब कुछ अपना है। मगर गाइस ऐसी परफॉर्मेंस के लिए अगर एप्पल में हम जाते हैं तो हमारा बजट जाता है 2.5 से 3 लाख रुपये, करीबन 2.75 लाख रुपए का कंप्यूटर हमारा तैयार होता, मतलब होता वो i9, बेसिकली i5 है वो, i7 भी नहीं, i9 होता। मगर गाइस थोड़ा बजट इशू, अभी हम न्यू इस बिजनेस में आए हैं, तो गाइस फिलहाल हमने ये, हमें करीबन पूरा 1 लाख का ये पड़ गया है। अच्छा, समथिंग अराउंड, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था ओवरव्यू में, करीबन हमारे 32 GB का, सॉरी 82,000 का लैपटॉप था, 1,000 का कीबोर्ड और ऐसे कुछ करके एक्सेसरी ली थी, तो 84,000 हमारे बिलिंग बनी थी। 84 में फिर हमने 2,500 का इसमें 1 TB का हार्ड ड्राइव SSD के अलावा डाला गया डेटा को रखने के लिए, तो ये हो गए गाइस 86,500। एंड उसके बाद अभी रैम आया 12,000 कुछ रुपए का, तो करीबन गाइस ये पूरा हमें एवरेजन 1 लाख रुपए का पड़ गया है। तो अब इससे हम जो आउटपुट लेंगे वो आपके सामने गाइस, तो बेहतरीन लैपटॉप, बेहतरीन। तो भगवान हमारा जो बिजनेस हम इससे करना चाह रहे हैं यूट्यूब का वो चले, और ये मशीन हमें पूर्णतः सहयोग करे, हमारे बिजनेस में पॉजिटिवली काम करे। तो गाइस आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड वीडियो अच्छे लगे तो शेयर कीजिए एंड चैनल को प्यार दीजिए गाइस, एंड थैंक यू एंड बाय बाय।